प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसे ही एक घटना रक्त बीज नाम के राक्षस से जुड़ी है। रक्त बीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। इसके पीछे के घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार रक्त बीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्त बीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्त बीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्त बीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्त बीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबरा कर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्त बीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्त बीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्त बीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी लेती। रक्त बीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा वो झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।